और ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि भाई कौन मुख्यमंत्री कब बनेगा। वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं और बखूबी ढंग से उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और जब हमको कोई किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, कोई लालसा नहीं है, तो औरों को भी इस तरह की बयान से बचना चाहिए। एकमात्र लक्ष्य है कि किस प्रकार से सभी विपक्ष के लोगों को देश भर में जोड़ने का काम करे, एक प्लेटफॉर्म पर लाना काम करे और सांप्रदायिक शक्ति को हटाए कि बिहार में जो फासिस्ट फोर्सेस जिस प्रकार से थी उनको हम लोगों ने जैसे हटाया, वैसे देश में जो फासिस्ट फोर्सेस जो काबिज है उनको हम लोग हटाने का काम करें। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सरकार जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है, और कुछ बयान इधर से उधर आते रहते हैं, ये सारे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य था कि भाजपा को और आरएसएस को हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें। बिहार की धरती से हम लोगों ने हटाया, अब देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से हम लोगों को हटाना है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो है चल रही है, बेखूबी ढंग से चल रही है। सारे कमिटमेंट को हम लोग धीरे धीरे जो है पूरा करते जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि भाई कौन मुख्यमंत्री कब बनेगा। वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं और बेखूबी ढंग से उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और जब हमको कोई किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, कोई लालसा नहीं है, तो औरों को भी इस तरह की बयान से बचना चाहिए। हालांकि जो चाहने वाले लोग होते हैं, समर्थक होते हैं, इस तरह का बयान जो है वो बोलते रहते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी भी एकमात्र लक्ष्य है कि किस प्रकार से सभी विपक्ष के लोगों को देश भर में जोड़ने का काम करे, एक प्लेटफॉर्म पर लाना काम करे और सांप्रदायिक शक्ति को हटाए। और उन्होंने भी जिक्र किया है कि भाई उनको भी कोई लालसा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। अभी हमारी जो महागठबंधन की सरकार है उसमें 7 पार्टियाँ हैं, और 7 पार्टियों ने नेता जो है नीतीश कुमार जी को मिलकर के चुना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह का अगर कोई बयान जो बोलता है तो ऐसे बयानों से लोगों को परहेज करना चाहिए। ये वक्त नहीं है इन सारी चीज़ों का चर्चा करने का। अभी हम सब लोगों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि बिहार में जो फासिस्ट फोर्सेस जिस प्रकार से थी उनको हम लोगों ने जैसे हटाया, वैसे देश में जो फासिस्ट फोर्सेस जो काबिज है उनको हम लोग हटाने का काम करें, देश का लोकतंत्र संविधान को